दो या तीन नदी का संगम एक साथ बन रहा है भाई, जबरदस्त लग रहा है। तो केदारनाथ पहुंचने से पहले पहले ना हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। नहीं यार, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है भाई का, मतलब भाई रह नहीं पा रहे। अभी हम लोगों ने एम्बुलेंस वाले को बुलाया, एम्बुलेंस आएगा तो वो आराम। वहाँ पे देख रहे हो चारों तरफ से माउंटेन माउंटेन है और नीचे में घर वर सब कुछ बना हुआ है, ये देखो। यो हो, हेलो नमस्ते, राम राम, कैसे हो, करता हूँ कि आप सब मेरी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना भाई लोग। अभी कल रात को हम लोग आए थे रानीखेत में और ये हमारा कुछ होटल रूम से ऐसा कुछ नजारा दिख रहा है, काफी शानदार नजारा है। और ये रानीखेत का जो है मार्केट वगैरह है। इस चैनल पे पहली बार है तो हम निकले हुए जयगांव भूटान से केदारनाथ स्पीति ले लद्दाख, ये सारा राइड एक बार में कवर अप करने के लिए। तो नया हो भाई चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम लोग आए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अरे अमन भाई दबा दिए, क्या क्या मंगाए, क्या हो ये? आलू टिक्की। तो इसको आलू टिक्की को लपेटते हैं। ये देख रहे हो अभी हम है ये रानी खेत में, यहाँ से होते हुए रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग जाएंगे, लगभग 232 किलोमीटर है और टाइम लगने वाला है 8 घंटे के आसपास, क्योंकि पूरा माउंटेन वाला इलाका है। जैसे हम लोग का वहाँ पे दार्जिलिंग भूटान है ना, वैसे सेम टू सेम इलाका है। तो भाई आज क्या एक्साइटेड है, आज पूरा मजा आएगा ना। अरे 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 देवभूमि उत्तराखंड में हम आके ना बहुत ही ज्यादा खुद को ब्लेस समझ रहे हैं, काफी ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। और रात में जैसे हम लोग यहाँ पे घुसे थे ना भाई, और अगरबत्ती जड़ी बूटी ये सब का ना स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था मंदिरों से, मतलब। अभी टाइम लगभग 12 बज चुका है, इसको खाते हैं और मिलते हैं आपको सीधा गोप्रो में। ऑल राइट गाइस, तो हमारा जो गोप्रो का बैटरी है ना वो आई थिंक सो खराब हो चुका है। अगर हम भैया ट्रिप में, अगर हमारा गोप्रो का बैटरी अगर खराब हो जाता है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, गोप्रो का बैटरी का निकालिए और पावर बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, कोनो बैटरी का जरूरत नहीं है। तो अभी वैसे कुछ जुगाड़ लगा के किए हैं। अभी हम लोग हैं रानीखेत में और यहाँ से लगभग 7-8 घंटे का राइड है भाई, और पूरा ऐसे ही माउंटेन वाले रोड में राइड होगा। रानीखेत का जो भी टाउन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत टाउन है। यहाँ पे रात में रहे, काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा था। देखो भाई, दार्जिलिंग करसियांग ये सब का माउंटेन रोंगटोंग का रास्ता जो है ना अपना वहाँ पे, वो अलग है और ये अलग है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं। और वही चीज़ है भैया, जैसे हमको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा ना, हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अभी ऐसा पीछे में ना एकदम ट्रैफिक जाम था, तो मैंने थोड़ा सा आगे एक कार 800 वालों को ठोक दिया था, तो अच्छा हुआ बंदे अच्छे थे, इतने अच्छे अच्छे स्वीट स्वीट बंदे हैं ना कि हल्का गलती से लग गया था, तो उन्होंने कुछ बोला भी नहीं मेरे को। मतलब सोच रहे हो कितने अच्छे बंदे हैं। अमन भाई का कैमरा में वो रिकॉर्ड हुआ है, मेरा कैमरा बंद था। यहाँ से बद्रीनाथ 254 किलोमीटर है और करण प्रयाग इस 127 मोर, और यहाँ का नज़ारे आप देखो भाई, ओ हो 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 हो, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारे, क्या ही खूबसूरत रोड। और ऐसा खूबसूरत रोड में जो चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना, अगर स्पोर्ट्स बाइक होता तो और मज़ा आता, लेकिन एडवेंचर भी कोई कम है के। बाकी कल में हम लोग 90 किलोमीटर चलाए थे सिर्फ, मतलब कल थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, उसके वजह से सिर्फ 90 किलोमीटर ही चलाए थे, ज़्यादा दूर हम लोग गए नहीं, जहाँ मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था तो वहीं पे रुक गए। बाकी आज तो भैया आज तो भगाएंगे, एक ही बार सोन पर आगे रुकने का प्लान है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ कर लिए है। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे हमें देखने के लिए जो है वो मिल रहे हैं। देखो भाई गाइस, अगर आप लोगों को घूमने का शौक है ना, घूमने का मजा चाहिए ना, तो फिर बाइक इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि आप लोग हाई सीसी चाहिए। यहाँ पे देखो सरदार जी लोग को सुपर स्प्लेंडर हीरो होंडा वगैरह ये सारा लेके, वो हो क्या मस्त भगा रहे, क्या मस्त चला रहे और राइड वाइड कर रहे हैं। तो बाइक इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा बाइक चाहिए, कौन सा बाइक होना चाहिए, बस अपना अपना कंफर्टेबिलिटी का हिसाब से लोग बाइक चेंज करते हैं। लेकिन हमारा हिसाब से तो भाई बाइक मैटर नहीं करता, क्योंकि हम इससे पहले भी कोई छोटा 150 cc का बाइक से भी हम स्टार्ट किए थे, 150 cc का बाइक से भी हम राइड करते थे पहले। बस पैशन है ना, पैशन को फॉलो करो भाई, पैशन को फॉलो करो, बस करते रहो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, करते रहने का है, करते रहिए। एक ना एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, एक ना एक दिन हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, बस आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार हमारा ऊपर रहे, बस इतना ही चाहिए। बाकी आप लोग कंटेंट देखते रहिएगा और कुछ सजेशन देना हो तो सजेशन भी देते रहिएगा। ऑल दैट गाइस, तो अभी हम लोग रास्ते में ऐसे घूरते, इतना शानदार मंदिर, इतना अच्छा व्यू के नजारे, पहले तो हम यहाँ पे तो उत्तराखंड देवभूमि में आए हैं और इतना अच्छा अच्छा रोड हम लोग कवर अप करते हुए आए हैं ना भाई। और यहाँ पे देख लो जय गोलू देवता का यहाँ पे मंदिर लगा हुआ है, काफी नीचे मंदिर है, तो एक बार अपने आशीर्वाद ले लेते हैं। हर महादेव। अमन भाई कैसा लग रहा है मंदिर? मंदिर कैसा है? थोड़ा सा एनर्जी डाउन जा रहा है, एनर्जी मंदिर इतना दूर है ना, जाने का तो बहुत मन है बट थक जाएंगे भाई, फिर बाइक नहीं चला पाएंगे, इतना नीचे है मंदिर। मंदिर बहुत ही ज्यादा नीचे, हवा अच्छा हवा भी अच्छा, बहुत अच्छा हवा आ रहा है। और यार एक चीज गाइस, हमको पता नहीं क्यों ये चीज ना दिख जाता है कि ये देखो नजारे,
इतने अच्छा सुंदर व्यू, यहाँ से मंदिर का रास्ता है और यहाँ पे देखो बियर का बोतल, कचरा इतना ज्यादा, बाप रे बाप। और मेरे को पता है ये जितना भी कचरा है ना, यहाँ के लोकल लोग तो फैलाए नहीं है, ये सारे टूरिस्ट लोग ही हैं, खा पी के फेंक देते हैं इधर ही। तो प्लीज अगर आप लोग भी कहीं पे भी कभी भी जाते हो ना, तो ऐसे कचरा मत फैलाओ। इतना सुंदर का नजारा, कोई आके फैमिली के साथ बैठेगा और ऐसे कचरा देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा भाई, जैसे हमें लगा। और वहाँ पे देख रहे हो धुआं निकल रहा है, किस चीज का धुआं है भाई पता है? वो किस चीज का धुआं है? अच्छा जंगल जलाया जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो धुआं वगैरह निकलता है। तो यहीं पे 5-10 मिनट हम लोग थोड़ा सा भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, और ये सुंदर का नजारा को एंजॉय करते हैं। जितना आप लोग को पहाड़ वहाड़ दिख रहा है ना, ये सारा क्रॉस करते 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 यहाँ से अभी हम लोग आए हैं, और मेरे आंखों के सामने ना क्या ही जबरदस्त नजारा दिख रहा है ना, एकदम वैली दिख रहा है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, वहाँ पे देख रहे हो चारों तरफ से माउंटेन माउंटेन है और नीचे में घर वर सब कुछ बना हुआ है। ये देखो, ओ हो, क्या जबरदस्त है, क्या जबरदस्त लग रहा है। ओह क्या मन भाई, कैसा लगा नजारे? अरे अरे अरे, दिन खाली नाचते रहता है। तो यहाँ पे अभी रुके हुए खाना वाना खाने के लिए। क्या हाल है छोटे? बढ़िया। क्या नाम है? सारिया। बढ़िया। तो चलते हैं यहाँ पे, अपना दाल चावल सब्जी सैलेड इसको निपटाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे अमन भाई ना बच्चे को भड़का रहा है, वो बोल रहा है कौन सी बाइक पसंद है तुम्हें? ये वाली? वो अच्छी नहीं लग रही है, वो इतनी बड़ी बाइक है, तुमसे भी बड़ी। एक बार वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ, तो आ जाओ देखें, देखो तो भाई ये तो तुमसे भी बड़ी है और ये अच्छी नहीं लग रही है, देखो तुम छुप जा रहे हो। वो चलाना है, बैठो, चलो आ जाओ, आ जाओ बैठो, हम है ना, बैठो ना, कोई कोई नहीं गिरेगा। इस पे पाँव रखो, इस पे पाँव रखो, बैठो, शाबाश, उधर पकड़ो, उधर पकड़ो, पूरा राइडर है, मजा आ रहा है एकदम बढ़िया। चलो पूरा खुश हो गया ना। चलो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में पढ़ते हो, चलो बढ़िया, अच्छा लगा तुमसे मिलके, फिर मिलेंगे। हाँ एकदम, चलो चलो गाइस जैकेट वैकेट लगाते हैं फिर निकलते हैं। गाइस बहुत ही ज्यादा आलसी लग रहे हैं, बहुत ही ज्यादा नींद आ रहा है, लिटरली बता रहे हैं। ये रोड जो है ना सीधा सीधी नहीं है, अगर स्ट्रेट एकदम रोड होता ना तो भाई नींद आ जाता। हाँ तो अभी हम हैं करण प्रयाग में, और यहाँ से ना पूरा करण प्रयाग का ना जो है नजारा एकदम एक नंबर दिख रहा है भाई मेरे, एक नंबर। तो ये सारा चेकआउट करो, वो हो ये नदी है, ठीक है, दो नदी का संगम यहाँ पे बन रहा है, दो या तीन नदी का संगम एक साथ बन रहा है भाई, जबरदस्त लग रहा है। अब बाकी आप यहाँ पे अपना बाइक भी चेक कर लो, एकदम वेल परफॉर्मेंस दे रहा है KTM एडवेंचर 390, काफ़ी ज़बरदस्त अच्छे से चल रहा है, अभी तक एक प्रॉब्लम नहीं हुआ। थैंक यू सो मच KTM, आगे भी प्रॉब्लम मत करना बस। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। ऑल एंड गेस्ट, तो केदारनाथ पहुंचने से पहले ना हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। सीन ये हुआ है कि मौसम देख रहे हो इतना खतरा ही कर दिया कि भाई पूरा बारिश का सीन हो चुका है अभी, पूरा इधर दिखा रहे हैं, इधर। अभी क्या है यहाँ पे सीन ऐसा है कि हमारा जो रेनकोट है ना वो इसका अंदर है, तो इसको फटाफट खोल लेते हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है। देखो फूल टिप टिप बरसा, पानी पानी में जवानी में आग लगाई। तो मैं जैसे आप लोगों को बोला था ना यहाँ पर हो सकता है बारिश आएगा, वैसे ही जैसा सोचा था हमने वैसे ही पूरा बारिश आ चुका है। ये देखो, ये चेकआउट करो, भयंकर ही बारिश। ये बाइक को भी सब कुछ रेनकोट पहना दिए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, अब जहाँ पे बारिश नहीं होगा वहीं मिलते हैं, ठीक है? क्या हो गया? पानी रहेगा ना तो ठीक रहेगा, पानी पी ले यार। और क्या हो गया, खाना वाना सही टाइम पे नहीं हुआ क्या? अरे यात्रा तो देने से गए तो वो सी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी दूरी मार्केट मार्केट है यार, पूरा ही गलत सीन हो करके रखा है, पता नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है भाई का, मतलब भाई रह नहीं पा रहे। अभी हम लोगों ने एम्बुलेंस वाले को बुलाया, एम्बुलेंस आएगा तो वो आराम से चले जाएंगे।
उधर नहीं है हॉस्पिटल, इधर है वो हॉस्पिटल, इधर है हॉस्पिटल, लेके जाओगे भैया? थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उनको, हाँ थोड़ा पहुँचा दो उनको, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, आ जाए तो उनको पहुँचा दो, कहाँ तक जाओगे हॉस्पिटल? और ये हालत देख रहे हो, ओ शिट यार, पैर ऊपर कर लो भैया, पैर ऊपर कर लो, बस सामने ही हॉस्पिटल है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, चले जाओ यार, एक बंदे मैं जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच भैया, आप रुके पहुँचा दीजिए, पहुँचा दो एकदम, बैठा दो, एरियल व्यू अब रुद्रप्रयाग, चेकआउट कर लो गाइस, ये है, वाह 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 वाह, क्या ही जबरदस्त नजारे लग रहे हैं, जब लिटरली देख के प्यार हो गया, इतना सुंदर सा जगह रुद्रप्रयाग से, तुमको तो हर जगह से प्यार हो जा रहा है, अब हम हैं ही इतने अच्छे कि सब जगह से हमको प्यार हो जाता है, दिल खुला रखना चाहिए, दिल एकदम खोल के रखना चाहिए। अच्छा वहाँ पे सीन क्या हुआ था भाई? अरे उसका वो इधर होता है ना पथरी, पथरी पथरी का तो क्यों होता है तुम्हें पता है? पानी कम पीने से, पानी कम पीने से। तो ऐसा ये माउंटेन वाला रोड है ना, तो इधर में जितना ज्यादा हो सके आप लोग अगर कभी भी ट्रैवल करते हो, कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, तो कृपया पानी पीजिएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिएगा, अगर अगर सर दर्द करता है तो डायमोक्स एक टैबलेट आता है, वो टैबलेट खा लीजिएगा, आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स ना हो जाएगा भैया। ऑलराइट गाइस, तो प्लान तो था सोनप्रयाग जाने का, लेकिन 40 किलोमीटर पहले ही हम लोग रुक गए क्योंकि भाई इतना बारिश आ रहा ना, इतना गंदा लेवल का बारिश आ रहा है, क्या ही बोले, पूरा गीला पीला हो चुके हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड भी हो रहा है क्योंकि ये रास्ता अननोन है हमारे लिए, तो हम लोगों ने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं, रास्ता यहीं पे रुक जाते हैं और अभी बैठे हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पे टाइम देख लो 9:30, 9:30 हो चुका है, खाना अपना आ चुका है, मस्त थाली, तो इसको निपटाते हैं, उसके बाद जाते हैं वीडियो को एडिट वगैरह करते हैं, अपलोड करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज बॉय ब्लॉग साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत। खेल रहे हो भाई, खेल रहे।